हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोशनी डेली ब्लॉग्स। तो मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो इसलिए कि मैं महाराष्ट्र में थी, फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड की जॉब आसाम में ट्रांसफ़र हुआ, तो मैं सारा सामान शिफ्टिंग यही किया, तो थोड़ा बिजी थी सामान ये वो उधर लगाने में, तो मैंने ब्लॉग नहीं किया था। तो मेरे ब्लॉग मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो अब मैं नवरात्र का व्रत की हूँ 9 दिनों का, तो ये मैंने 9 दिनों के लिए दीपक जलाई है और ये कलश स्थापना भी की है, तो 9 दिनों तक पूरी पूजा चल रही है और मेरे 9 दिनों के व्रत है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अब किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा सा गंदा हो चुका था, तो कांच की बॉटल थी, डिब्बे थे, उनमें थोड़ी सी गंदगी लग चुकी थी, तो कपड़े से गीले कपड़े से थोड़ा पोछ पाछ कर और न्यूज़पेपर नया डालकर थोड़ा लगा दिया। मैंने कहा बहुत सा टाइम है और व्रत भी चल रहे, तो इसी कारण थोड़ा टाइम किचन को दे देती हूँ, तो न्यूज़पेपर लगा कर डिब्बे थोड़ा सा कपड़े से पोछ कर ये लगा दिया। ये मेरा सरकारी क्वार्टर है, इसलिए मैं इसे प्लास्टिक के डिब्बे रखी हूँ, तो मैं अब ये साफ़ सफाई करके तुरंत थोड़ा सा न्यू लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, तो जल्दी जल्दी काम में हूँ। तो अब मेरा सारा काम हो चुका है किचन का, अब खाना बनाना बाकी है, तो मैंने अब किचन में जाकर देखती हूँ, क्योंकि मैं वो थोड़ा सा सब्जी के दाल के लिए तड़का लगाई हूँ और इधर में करेला बॉईल हो रहा है और इधर टमाटर काट के रखे दाल के लिए, इसीलिए। तो अब मैं मेरा 9 दिनों का व्रत चल रहा है, तो मेरी बेटी जो धनश्री है वो मेरे लिए साबूदाना भिगो रही है, तो बोले मम्मी थोड़ा सा साबूदाना एक टाइम खा लेना, तो मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। और मेरा खाना भी बन चुका है, यहाँ मैंने करेले बनाए भरे हुए करेले, और ये दाल बनाई है, और यहाँ पर रोटी है और चावल बनाया है, तो बच्चे हस्बैंड दोनों तीनों खा लेंगे। तो अभी मैं थोड़ा कपड़ा सुखाने के लिए डाली थी, सुबह जल्दी कपड़े धो लेती हूँ, यहाँ धूप थोड़ी देर के बाद चली जाती है, और हमारा क्वार्टर सेकेंड फ्लोर में होने के कारण इस बालकनी से उस बालकनी में दोरी को अटैच किया है, तो मुझे दोरी पहले खींचनी पड़ती है, फिर कपड़ा आगे सरकाना पड़ता है, तो ऐसे मुझे दिन में 3 बार करना पड़ता है, क्योंकि तभी जाकर कपड़े सूखते हैं। और यहाँ बारिश भी बहुत होती है, तो कभी धूप निकलती तो कभी बादल आ जाते, तो आज अच्छी सी धूप निकली थी, बहुत तेज़ धूप थी, तो मैंने सोचा 2-3 बार कपड़ा पलट देती हूँ तो वो सूख जाएगा, तो इसी काम में मैं जल्दी जल्दी में लग रही थी, फिर इसके बाद मेरा सारा काम हो जाएगा, सोचा कपड़ा भी सुखा लूँगी जल्दी और फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो बर्तन धुलाई किए थे, उनको धूप में सुखाने के लिए रख दिया है, अब मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, आप भी रेस्ट करो और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। ओके बाय।